दोस्तों इकाई 13 स्वच्छता में आगे वीडियो हम देखे तो हमने देखा कि भाई मोहन ने अध्यापक जी को अजय के मोहल्ले की बात बताई। अध्यापक जी ने क्या किया कि पूरे बच्चों के साथ रविवार के दिन अजय के मोहल्ले पहुंचकर वहां सफाई काम शुरू किया और सफाई कर दी। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा भी डाल दी। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। तो एक अभियान स्वच्छता का चलाया गया। लोग भी देखने लगे कि ओहो, ये तो स्कूली बच्चे हैं और अध्यापक जी है, अध्यापक जी के साथ स्कूली बच्चे जो है वह हमारे मोहल्ले को सफाई कर रहे हैं। तो सब लोग देखने लगे। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, वे घर के आसपास सफाई रखे, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। तो अध्यापक जी ने अपने वचन से, अपनी वाणी से सभी मोहल्ले वाले को ये स्वच्छता की बात समझाई। कौन सी बात समझाई? कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, घर के आसपास सफाई रखे, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। ये बात मोहल्ले वाले को अध्यापक जी ने समझाई। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इसकी सहायता करें। तब एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो अध्यापक जी की बात का असर हुआ। यहाँ मोहल्ले के, अजय के मोहल्ले के जो लोग थे वह स्वयं समझ गए कि हम भूल कर रहे थे और हमारी भूल, हमारा जो कूड़ा है वह ये बच्चे क्यों साफ करें, हम ही साफ कर देंगे। तो अध्यापक जी को उन्होंने आश्वासन दिया कि अब ऐसी नौबत नहीं आएगी, अब हम अपने मोहल्ले की सफाई हम खुद रखेंगे और आप भी हमेशा इस मोहल्ले को साफ सुथरा पाएंगे। तो इस प्रकार मोहन ने जो बात रखी अध्यापक जी के पास, तो उसका क्या असर हुआ कि अजय का मोहल्ला पूरा साफ हो गया, स्वच्छ हो गया। तो आप भी इस प्रकार के अभियान को छेड़ सकते हैं। कहीं गंदगी दिखाई दे तो तुरंत आप वहाँ से गंदगी हटाने का कार्य और अपने मित्र के साथ मिलकर कर सकते हैं और आपकी जो सोसाइटी है या मोहल्ला है, शहरी है, वहाँ सभी लोगों को जैसे कि अध्यापक जी ने जागृत किया, वैसे आप स्वच्छता के प्रति जागरूक कर सकते हैं।